नमस्कार दोस्तों, संगीता किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं टमाटो सूप। टमाटो सूप सर्दी के मौसम में बहुत ही अच्छा लगता है और उसमें क्रूटॉन्स हो तो और भी अच्छा लगता है। तो आज हम टमाटो सूप लेकर आए हैं। तो टमाटो सूप बनाने के लिए मैंने इन सारे सामग्रियों को ले रखा है। ये मैंने एक गाजर ले लिया है जिसे मैं रफली चॉप कर ली हूँ, और ये लहसुन के 2 से 3 कलियाँ हैं, और थोड़ा सा 1 इंच अदरक है जिसे मैंने रफली कट लिया है, और ये थोड़ा सा काली मिर्च है, ब्लैक पेपर, ये थोड़ा चीनी है 2 से 3 चम्मच, ये स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, और ये लाल मिर्ची पाउडर है, और 4 टमाटर को मैंने रफली चॉप कर लिया है, और कुछ सीक्रेट सामग्री है जो कि बनाते टाइम हम आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं 1/2 ग्लास पानी डाल देती हूँ इसमें। इसी के साथ हम टमाटर डाल दे रहे हैं। इसी के साथ गाजर डाल देती हूँ। इसमें अदरक 1 इंच और 3-4 कलियाँ लहसुन, थोड़ी सी काली मिर्च, इन सारे सामग्री को मैं बॉईल करने के लिए रख दूंगी। 1/2 चम्मच नमक। अब मैं कुकर को बंद कर देती हूँ और 1 सीटी लगने देती हूँ। 1 सीटी लग गया है। अब देख लेते हैं हमारा टमाटर बॉईल हुआ है या नहीं। टमाटर मेरा अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है, आप देख सकते हैं, ये देखिए। अब इसे मैं छान लेती हूँ। इसे अब हम छान ले रहे हैं। देख सकते हैं कि टमाटर मेरा कितना अच्छी तरह से गल गया है। आप भी इसी तरह से गलाइएगा। अब इसे मैं अच्छे से मसल के इसका सारा जूस निकाल लेती हूँ। आपके पास मसलने वाला ना हो तो चम्मच से भी मसल के निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इससे मैं सारा जूस निकाल ली हूँ, इसको पूरा मसल के। इसको आप पीस के सब्जी में भी यूज कर सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसमें सारा जूस निकाल ली हूँ, जो भी गाढ़ा निकला है। अब मैं इसका सूप बना लेती हूँ। अब सूप के लिए क्रूटॉन्स बनाना है, तो क्रूटॉन्स के लिए हमने 2 ब्रेड का स्लाइस लिया था, और इसका साइड से किनारा मैंने निकाल लिया है। अब इसे पीसेज में काट लेती हूँ। इसको हम डीप फ्राई नहीं करेंगे, इसको हम हल्का सा बटर डाल के या घी डाल के थोड़ा सा इसे फ्राई कर दूँगी। नहीं तो फ्राई करने पर ब्रेड जो है सो बहुत ही ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेता है। तो चलिए अब हम क्रूटॉन्स बनाने की तरफ चलते हैं। तो क्रूटॉन्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है। अब उसमें मैं घी डाल दे रही हूँ, 1 से 1.5 चम्मच। घी को थोड़ा सा गर्म कर ले रहे हैं, और ध्यान रखिएगा कि मीडियम फ्लेम पे ही क्रूटॉन्स बनाइएगा। अब मैं ब्रेड को डाल दे रही हूँ। इसे अच्छी तरह से चलाऊंगी। चलाते रहना इसलिए ज़रूरी है कि दोनों तरफ से हमारा ब्रेड सिक जाना चाहिए। ब्रेड सिकेगा तब तो कड़क होगा। आप देख सकते हैं कि ब्रेड मेरा दोनों तरफ से सिक गया है। एकदम धीमी आंच पर सिकिएगा, नहीं तो ये कड़क नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि मेरा क्रूटॉन्स बन के पूरा अच्छी तरह से तैयार हो गया है। अब चलिए अब हम सूप की तरफ चलते हैं। तो सूप बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक फ्राई पैन ले लिया। अब उसमें 1 चम्मच घी डाल दे रही हूँ। हाफ चम्मच और डाल देते हैं ताकि इसका स्ट्रक्चर जो हो सो क्रीमी हो। अब इसमें मैं काली मिर्च
और लहसुन की 2-4 कलियाँ डाल दे रही हूँ। काली मिर्च और लहसुन की कलियाँ है सो थोड़ा सा अच्छा से पक जाना चाहिए। इसको मैं पका लेती हूँ। ये पक चुका है, अब मैं इसमें टमाटर प्यूरी डाल देती हूँ। आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, इस तरह से आप बनाइएगा ना तो बहुत ही अच्छा सूप बनेगा। और मेरा वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब इसमें मैं थोड़ा सा काला नमक डाल देती हूँ। काला नमक डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 1/2 चम्मच मैंने काला नमक डाला है। और मेन पार्ट ये है कि आप इसमें चीनी डालना मस्ट इम्पॉर्टेंट है। चीनी नहीं डालिएगा तो इसका खटास नहीं मिटेगा। इसका खटास मिटाने के लिए हमने चीनी इसमें डाल दिया, तो हमें 2 से 2.5 चम्मच चीनी डालना है। अब लास्ट सीक्रेट क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें थोड़ा सा सिंपल नमक भी हम डाल लेते हैं। हमने टमाटर उबालते टाइम नमक डाला था, इसलिए मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। आप अपना स्वाद के अनुसार ही डालिएगा। अब लास्ट सीक्रेट मैं आपको बताती हूँ। सूप तो मेरा पतला है, अब इसे मैं गाढ़ा कैसे करूँ? तो गाढ़ा करने के लिए मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर ले लिया है। इसे मैं मिक्स कर लेती हूँ। इसे मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी, एक बार नहीं डालूंगी। अब हमारा टमाटर के सूप का कलर नहीं आ रहा है, तो कलर के लिए हम क्या करें? कलर के लिए हम कश्मीरी लाल मिर्च डाल सकते हैं, या तो हम थोड़ा सा फूड कलर डाल सकते हैं। तो मैं फूड कलर प्रेफरेंस नहीं करती हूँ, मैं कश्मीरी लाल मिर्च ही करूँगी, इसलिए मैं थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च लास्ट में डालूँगी। ये देखिए मैं थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ कलर के लिए। कश्मीरी लाल मिर्च आपको पता है कि तीखा नहीं होता है, तो मैं कलर के लिए ये डाली हूँ। आप देख सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कितना अच्छा है, पूरा क्रीमी लग रहा है और गाढ़ा भी हो गया सूप के जैसा। लगभग मेरा सूप अब बन के तैयार हो गया है। मैं थोड़ा सा और इसे बॉयल करूँगी और इसे मैं फिर से छान लूँगी। सूप तो रेडी हो गया है, अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। आप भी इसी तरह से सर्व कीजिएगा। क्रूटॉन्स के साथ सूप बहुत ही टेस्टी लगता है। अब एक में हम हल्का सा क्रीम डाल देते हैं, आपको क्रीमी स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा लगेगा। अब सूप बिल्कुल रेडी हो गया है, अब स्पून लगाते हैं। और खाने के लिए पीने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दे, इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूले, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।